सरकारी अमले में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना रिश्वत के काम करना ही नहीं चाहता है। सरकारी अमले को अब सातवें वेतनमान में भरपूर वेतन मिल रहा है, फिर भी ऊपरी कमाई का मोह नहीं जा पा रहा है। हर कोई हजारों लाखों रुपए कमाना चाहता है, भले ही इसके लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की भी यही हाल है। यहाँ कई जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर इसके लिए आम जनों को स्वास्थ्य कर्मचारियों को रिश्वत खिलानी पड़ती है। बिना पैसे दिए एक भी काम नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी कितनी ज्यादा है, इसका उदाहरण तब सामने आ गया जब एक नर्स को रिश्वत लेकर पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार कसरावद खमखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। नर्स जयंती पाटीदार रिश्वत के पैसे लेते हुए इंदौर लोकायुक्त टीम ने पकड़ा है। नर्स जयंती पाटीदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खामखेड़ा तहसील कसराबाद में पदस्थ है। इस मामले में शिकायतकर्ता अरविंद सोलंकी ग्राम भोपाड़ा की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। शिकायतकर्ता अरविंद सोलंकी के मुताबिक प्रसूति स्वास्थ्य सहायत योजना का लाभ लेने के लिए नर्स ने रिश्वत मांगी थी। नर्स ने 1000 रुपए मांगे थे, पर उनके पास राशि नहीं थी। तब नर्स ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं तो पैसे लेकर ही काम करती हूँ। इस पर अरविंद ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। ग्राम खामखेड़ा की पुलिस चौकी पर लाकर कार्यवाही की जा रही है। भ्रष्टाचार संशोधन निवारण 2018 की धारा 7EC एक्ट में कार्यवाही की गई है। महिला के पति प्रवीण सोलंकी ने बताया कि मैंने मैडम से गरीबी व लाचारी बताने पर भी नहीं मानी और कहा कि मैं तो पैसे लेकर ही काम करती हूँ। वहीं आवेदक अरविंद सोलंकी ने बताया कि मैंने पूर्व में रुपए उधार लेकर मेरे भाई को दिए, जो कि मैडम को 400 रुपए दिए और बाकी रुपयों की मांग करती रही। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सर डिलीवरी हुई थी अपने यहाँ 18 तारीख को। अच्छा। प्रसव पीड़ा को लेके आए थे सर सवेर 4:30 बजे की समथिंग। अच्छा। 5:30 बजे यहाँ आए सर। हाँ। तो मैडम ने 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की जी, जिसमें सर मैडम को बहुत सारी उल्लंघना भी बताई। हाँ। गरीबी भी बताई, लाचारी बताई, पर हाँ। मैडम ने उल्लंघने में पैसे तो लेते, पैसे लेके काम करती। अच्छा। उसके बाद मैडम को सर 400 रुपये दिए। हाँ। 400 रुपये दिए, उसके बाद सर बोले कि डिस्चार्ज की कागज ले जाना, तब जाके तुमने 500 रुपये बाकी के पैसे दे जाना। श्री आशीष नायडू जी को पहुँचा इंदौर से। कल आशीष नायडू जी और हमने मिलकर उनका फिर से दोबारा ऑडियो कॉलिंग रिकॉर्ड किया था। तत्पश्चात पूरी घटनाक्रम रिकॉर्ड करने के बाद फिर उनसे बात की गई 500 रुपए की डिमांड की। फिर आज लोकायुक्त टीम आई। लोकायुक्त टीम ने मुझे बताया कि आपको पैसे मांगे हैं क्या। मैंने कहा हाँ मांगे हैं। तो फिर मैं पैसे देने जयंती पाटीदार जी को गया 500 रुपये। जैसे ही उन्होंने लिए, तत्पश्चात 2 से 4 मिनट पश्चात लोकायुक्त की टीम आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या चाहते हो? हम सर चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रसव पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो महिला के जीवन। ये अरविंद सोलंकी है, भोपाड़ा तहसील कसरावद के रहने वाले हैं। इनकी छोटे भाई प्रवीण की बहू, प्रवीण की वाइफ, ये भर्ती हुई थी अस्पताल में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खामखेड़ा में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। तो डिलीवरी की भर्ती के समय उन्होंने जब उसका प्रवीण साथ में लेकर आए थे, तो उससे उन्होंने कहा कि आपको 1000 रुपये लगेंगे, देना हो तो दो और नहीं देना हो तो फिर उसके अस्पताल लेके चले जाओ। इस बात को लेकर उसने तत्काल दबाव बनाकर उसे 400 रुपये ले लिए और उसने फिर डिलीवरी हुई, बच्ची होने के 2 दिन बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया 20 तारीख को। जब डिस्चार्ज किया गया तो प्रवीण ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा, तो जयंती पाटीदार जो ANM है उन्होंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि बचे हुए पैसे रुपए दोगे अब तुमको हम देंगे। तो वो वहाँ से चला गया, अपनी पत्नी की देखभाल करने में व्यस्त रहने कारण उसने अपने भाई को भेजा। हम लोग के पास SP साहब के पास शिकायत इस बात के लिए आई, तो उस पर फिर वॉइस रिकॉर्डर में फिर उनको दे के भेजा गया। तो उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई और 500 रुपये में बात तय हुई। तो आज इस बात को धारा 7 PC 8 के तहत उसमें प्रकरण पंजीयन किया गया है और इसमें अरविंद द्वारा 500 रुपये की राशि जयंती पाटीदार को जो ANM है उनको दिया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खामखेड़ा में, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। सर आपका सुनना। मैं निरीक्षक राजकुमार सराफ और आप मैडम आशा सेजकर हैं, निरीक्षक हैं।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।